फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक फ्राई कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। फ्राई एक कढ़ी बनाने के लिए हमने 6 अंडा लिया है। अंडा बॉयल करके हमने छील लिया है। अब हम उसके 2 पीस करेंगे, तो हम बीच से ऐसे 2 पीस काट लेंगे। सभी अंडे को हमें ऐसे ही काट लेना है। हमने सभी अंडे को 2 पीस में कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। अंडे को हमने काट लिया। अब उसपे हम थोड़ा थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर छिड़क देंगे। थोड़ा थोड़ा ऐसे रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। साथ में हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। यानी कि सभी अंडे पे हल्का हल्का छिड़काव हो जाना चाहिए। साथ में हम चुटकी भर हल्दी भी छिड़क लेंगे। तो हल्दी को हम थोड़ा थोड़ा इस पे छिड़क लेंगे। अब हम एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच चने का आटा यानी कि बेसन लेंगे। उस बेसन में भी हम चुटकी भर हल्दी डालेंगे। 1/4 चम्मच हम नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच लाल चिल्ली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसको एक गाढ़ा सा घोल बनाएंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, नहीं तो लम्स पड़ जाता है। बेसन को हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा सा घोल बना लिया है। आप घोल का कंसिस्टेंसी पकौड़े के घोल के जैसा रख सकते हैं। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक फ्राई पैन रख लिया है। हम गैस को ऑन कर लेंगे। पैन गर्म हो चुका है। अब हम उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में घोल ले लेंगे और एक एक अंडे के पीस को हम ऐसे घोल में डुबाएंगे। तो ऐसे हम सावधानी से घोल में डुबाएंगे और धीरे धीरे हम इसे तेल में छोड़ते जाएंगे। एक एक अंडे को हम तेल में डुबाएंगे। घोल तो अंडे को हम घोल में डुबा डुबा के और तेल में डालते जाएंगे। एक साथ में जितना अंडा आ सके उतना हम फ्राई पैन में डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, अंडे को एक एक करके टर्न कर लेंगे। तो हमने जो पहले अंडा डाला था उसको धीरे से ऐसे टर्न कर लेंगे। दोनों साइड से हमें करारा एकदम फ्राई कर लेना है। तभी फ्राई अंडा कभी टेस्टी बनता है। हमने एक को दोनों साइड से फ्राई कर लिया है, तो हम ऐसे चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड से फ्राई हो चुका है। तो अब हम एक झड़ने की मदद से एक 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 को एक प्लेट में किसी पेपर रख के निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाता है और खाने में तो टेस्टी लगता ही है। इसे आप ऐसे भी एक स्टार्टर के रूप में ले सकते हैं, पर ये ग्रेवी में डालने में और ही मजेदार लगता है। तो हमने सभी एक को निकाल लिया है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। तो 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे और जीरा को हम अच्छे से तड़कने देंगे। जीरा तड़क चुका है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो हम छड़नी के ऊपर ही डालेंगे, नहीं तो सीधे आएंगे। और इसे हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो हमें 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भूनना है। हमने प्याज को ब्राउन होने तक भून लिया है। आप देख लीजिए गल गया है।
अब हम मसाला ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। गैस का फ्लेम एकदम स्लो करके मसाला डालना है, नहीं तो मसाला जलने लगता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यानी कि 1 मिनट तक हम इसे स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं अपना मसाला जो है अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें बीच से कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे, तो इसे हम ऐसे डाल देंगे। और साथ में हम डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, तो इसे हमने एकदम बारीक बारीक काटा है, और मसाले के साथ हम इसे भूनेंगे। टमाटर के साथ ही हम नमक डालेंगे, तो टेस्ट के अनुसार हम इसमें नमक डाल लेंगे। और टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे भूनेंगे, यानी कि 4 से 5 मिनट तो लग ही जाना है। टमाटर अच्छे से गल चुका है, मसाला भी भून चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो हम अपने जरूरत के अनुसार पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। पानी के साथ हमने जो ये बेसन का घोल बनाया था उसमें से थोड़ा सा घोल बच गया है। अगर आपके पास नहीं बचता है तो 1 चम्मच बेसन लेके एक पतला सा घोल बना के और ग्रेवी में डाल दीजिए। इससे कढ़ी बहुत ही अच्छी बनती है और खाने में टेस्टी लगती है। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट तक तेज फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है। तो आप देख सकते हैं अपनी ग्रेवी जो है बहुत ही बढ़िया ठीक हो चुकी है। हमें ऐसी ही ग्रेवी चाहिए फ्राई 1 कढ़ी के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, तो 1 चम्मच हम गरम मसाला डाल लेंगे। और साथ में हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे। तो जैसे सबको पता है धनिया पत्ता फ्रेश हो और ग्रेवी में पड़े तो कितना बढ़िया लगता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें अपना अंडे का पकौड़ा डालेंगे, तो एक एक करके हम पकौड़ा को छोड़ देंगे। और इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, ग्रेवी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा अपना एक, तो फिर हम इसे सर्व करेंगे। अब चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हम एक-एक ऐसे एक पीस उठाएंगे और प्लेट में रखेंगे। एक फ्राइड कढ़ी बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में जबरदस्त लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।